नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के हेल्थ प्लस कार्यक्रम में। हेल्थ प्लस एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम विशेष डॉक्टरों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो जिस फील्ड के डॉक्टर है उनसे बातचीत करेंगे। आज ऐसे ही एक निष्णात डॉक्टर जो नेशनल एक्सलेंस अवार्ड विजेता है और गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट है, ये बहुत ही स्पेशलाइज फील्ड है, उनके साथ हम आज कुछ बात करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर हिमानी शाह का, जो खुद एक गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट है। स्वागत है मैडम हमारे दिव्यांग न्यूज चैनल के स्टूडियो में। थैंक यू सर। डॉक्टर हिमानी शाह, एक गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट हो आप, तो सबसे पहले मैं और कुछ सवाल आपसे करूं, तो पहले आप ये बताइए कि डॉक्टर हिमानी शाह कौन है, कैसा है एक व्यक्ति के रूप में, और क्या रहा है आपका बैकग्राउंड, कैसे आप पहुँची इस स्तर तक, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो मेरी शुरुआत बहुत ही छोटे, मैं छोटे बहुत छोटे टाउन से बिलीव करती हूँ, जामनगर। बट अभी कैसा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और SR इंडस्ट्रीज़ की वजह से उसका नाम काफ़ी बेटर हुआ है, पर जब मैं थी वहाँ पे तो बहुत छोटा सा वो शहर है। मैं वहाँ से, मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जो 12th तक का सफ़र रहा है, 12th साइंस तक, मैंने वहीं से कंप्लीट किया है। और उसके बाद जो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है, जो कि 4.5 ईयर्स का कोर्स रहता है, वो मैंने राजकोट से कंप्लीट किया है, के शेट फिजियोथेरेपी कॉलेज में से। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं जो मास्टर्स है वो कौन सा सब्जेक्ट में करूँ, तो उसके लिए मैंने जो ये गायनेक फिजियोथेरेपी है उसमें जाने का निर्णय लिया। तो जब मैंने डिसाइड किया था तो वो जो फील्ड है वो बिल्कुल नया था, और गुजरात में कोई अच्छी जगह पे वो अवेलेबल था नहीं, इसलिए मुझे कर्नाटक शिफ्ट होना पड़ा वो कोर्स करने के लिए। तो फिर मैंने 2 साल केली यूनिवर्सिटी, बेलगावी करके एक जगह है वहाँ पे है, वहाँ से मैंने मेरे मास्टर्स का कोर्स कम्प्लीट किया है। तो फिजियोथेरेपिस्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट की अगर हम बात करें तो ये फील्ड हमने तो कभी सुना नहीं, तो आप इस छोटी उम्र में कैसे पहचान लिया कि भी ये कोर्स आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा? देखिए, जब मैं एज अ फीमेल, जब मैं मेरी फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं और जाके मैं ऐसे जब सुनती थी या बात करती थी, तो ज़्यादातर बातें फीमेल्स की जो रहती है वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड रहती है कंपेयर टू सॉल्यूशंस। तो मैंने सोचा कि क्या हम हर वक्त प्रॉब्लम्स रिलेटेड ही बात करेंगे? यस, हेल्थ के इशूज़ में डेफिनेटली। मैंने सोचा कि क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचेंगे या फिर हम सॉल्यूशंस के लिए भी कुछ करेंगे? Correct. तो वो सोच मुझे ये लेके गई कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स तक पहुंच सकूं। इसलिए फिर मैंने ये जो फील्ड है वो सिलेक्ट करने का डिसीजन लिया। और दूसरा, मैं खुद पर्सनली समर्पण मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे जो गुरुदेव है उनकी प्रेरणा से मैंने फिर ये आगे का सफ़र तय किया, उनके गाइडेंस के हिसाब से कि ये जो फील्ड है वो आगे जाके, अभी उसका कोई इतना स्कोप हो ना हो, पर आगे जाके तो डेफिनेटली इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप रहेगा। मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अवेयरनेस शायद नहीं है महिलाओं को। जी बिल्कुल, इसकी वजह से ये किसी को, हम भी जानते हैं कि फिजियोथेरेपी होता है, लेकिन गायनेक फिजियोथेरेपी का स्पेशलाइजेशन होता है तो ये हमने भी पहली बार सुना है। तो थोड़ा सा दर्शकों को ये बता कि गायनेक फिजियोथेरेपी जो फील्ड है आपका, वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब महिला रिलेटेड है, तो वो कैसे उनको एड्रेस करते हैं और कैसे किन प्रॉब्लमों को एड्रेस करते हैं? अगर जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि अवेयरनेस बहुत कम है, ये एकदम बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ आपको, तो मेरा जो फैमिली है, मेरी फैमिली मेरे खुद अगेंस्ट में थी जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं गायनेक में फिजियोथेरेपी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो तब मुझे ये सवाल हुए थे कि क्या इस फील्ड में फ्यूचर है क्या, तू जब ये करेगी तब कौन बिलीव करेगा, कौन एक्सरसाइज करेगा? तब मैंने ऐसा सोचा था कि जितनी फीमेल्स है उतना स्कोप है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सारी जो फीमेल्स है, ऑल एज ग्रुप्स इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो एडोलेसेंस है वहाँ से लेके मेनोपॉज तक जितनी भी फीमेल्स है उसको ये हम एक्सरसाइज के मीडियम से बहुत ही अच्छा ये फील्ड है। तो ये जो एक्सरसाइज की आपने बात की, तो महिलाओं में ऐसी क्या क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है?
अगर मैं एडोलेसेंस से स्टार्ट करूँ तो पहले के ज़माने में कैसा था कि जो प्यूबर्टी है वो थोड़ी डिले होती, डिले इन द सेंस कि वो 15 इयर्स के बाद या 15 इयर्स के आसपास स्टार्ट होती थी। पर अभी का जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस लेवल है, उसके हिसाब से हम देखें तो प्यूबर्टी बहुत अर्ली फेजेस में स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अनआंसरेबल होते हैं, जो पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते या फिर किस कोई फ्रेंड के साथ वो शेयर नहीं कर सकते, तो उनको कोई तो एक गाइडेंस चाहिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो वो अवॉइड करते हैं, कुछ सिचुएशंस होती है, तो उनको ये समझाने की बहुत ही आवश्यकता है कि आप ये सब फेस कर सकते हो और इसमें कुछ बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है, ये सब लोग करते ही हैं। तो ये हुई एडोलेसेंस के बाद, और उसके आगे हम जाते हैं तो फिर शादी के बाद। शादी के बाद अभी बहुत नई ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ है जो गर्भ निरोधक हम कह सकते हैं, वो इस्तेमाल होती है, पर उसके बारे में किसी को कुछ इतना आइडिया नहीं है। हाँ, अभी गूगल अवेलेबल है तो हम इजीली वो गूगल कर सकते हैं, पर हमारे लिए कौन सा बेस्ट है वो अगर हमें सिलेक्ट करना है तो डेफिनेटली हमें किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है। सही बात, तो वो है। और उसके बाद प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में कैसा रहेगा कि प्रेगनेंसी जो है वो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्कम्फर्ट रहते ही है बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। तो ऐसा नहीं होता ना कि हर सब प्रॉब्लम के लिए हम दवाई ले लें। सही बात। तो उसके लिए भी हम एक्सरसाइज से बहुत ही अच्छा एडवांटेज रहता है एक्सरसाइज का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद सबसे मेन प्रॉब्लम है खुद को एक्सेप्ट करना, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी, यस पोस्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद ऐसे डिप्रेशन होता है कि मुझे बच्चे को भी देखना है, मुझे खुद को भी देखना है, फिर जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको भी मेंटेन करना है, और उसकी वजह से जो बॉडी शेमिंग होता है क्योंकि पेट जो है वो लचीला हो जाता है पहले से ज़्यादा, या फिर किसी किसी फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है कि यूरिन्स के ड्रॉप वगैरह जाते हैं, बेसिकली स्ट्रेंथ रिलेटेड इश्यूज है जो हम दवाई से बिल्कुल मसल स्ट्रेंथ जो इंक्रीज करना हाँ, होता है जो दवाई से हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोई दवाई ऐसी नहीं है जो स्ट्रेंथ के लिए हम यूज कर एक्सरसाइज ही कर पाते हैं, वो एक्सरसाइज से ही हो सकता है। सही बात है। तो मतलब पेल्विक मसल हो या और कोई भी मसल हाँ, हो उसको अगर हमको स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रेंथन करना है तो उसमें एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो ये जो कोर्स है ये बड़ा ही अलग सा और विशेष कोर्स है, तो ये हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर ये कोर्स चलते हैं? अभी हमारे गुजरात की मैं बात करूँ तो अभी स्टार्ट हुआ है, अहमदाबाद है, राजकोट की कॉलेजेस है वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, पर सबसे जो बेस्ट कॉलेजेस है वो कर्नाटक में अवेलेबल है, क्योंकि वो कॉलेजेस कैसा है कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो पहले से ही ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो उन्हें इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है हम कह सकते हैं, उनके पास फैकल्टीज वगैरह है स्पेसिफिक फील्ड के लिए। करेक्ट। तो इसमें नॉर्मल फिजियोथेरेपी और गायनेक फिजियोथेरेपी में मतलब क्या अंतर है, क्योंकि नॉर्मल फिजियोथेरेपी का जो बेसिक रूल है वो भी यही है कि मसल स्ट्रेंथन करना, आपका भी यही है कि भी मसल स्ट्रेंथन करने का, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, अभी हम आज तक का जो बिलीव है वो कैसा है कि अगर आपका कोई नी प्रॉब्लम है या फिर आपको बैक पेन हो रहा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, पर कोई फिटनेस के लिए कभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, वो जिम प्रेफर करते हैं। Correct. पर ऐसा नहीं है, फिजियोथेरेपी का फील्ड बहुत ही वास्ट है, जैसे कि अभी ऐसा न्यूरो है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, वैसे फिजियोथेरेपी में भी ऐसी स्पेशल ब्रांचेस है, जैसे कि न्यूरोलॉजी है तो वो स्पेशली पैरालाइज्ड पेशेंट है या फिर पार्किंसन है, उन सारे जो न्यूरो रिलेटेड डिजीजेस है उनके साथ वो डील करते हैं। उसके बाद कार्डियोलॉजी आता है तो वो आईसीयू है या फिर चेस्ट है, उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद होता है पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट, तो वो जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है, जो जिनको सीपी चाइल्ड है या फिर ऑटिज़म है, तो वो उनके अंडर आता है। वैसे मेरा फील्ड है कि मैं गायनेक फिजियोथेरापिस्ट हूँ, तो मेरे अंडर जो वुमन्स हेल्थ, जो गायनेक फिजियोथेरापिस्ट को वुमन्स हेल्थ फिजियोथेरापिस्ट भी कह सकते हैं, वुमन्स हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे अंडर आते हैं, गायनेक के अंडर। तो इसमें जैसे एक महिला को एक प्रॉब्लम है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेरे को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और मुझे एक गायनेक फिजियोथेरेपी से कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये अवेयरनेस है नहीं, क्योंकि आपका एक बहुत अलग सा फील्ड है। जी सही तो, बात है। तो ये ऐसे कौन से सिम्टम्स हो कि अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बीच में, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे एक महिला को दवाई की जगह पर एक्सरसाइज की ज़रूरत हो, वो उनको पता चले, वो थोड़ा ज्ञान दीजिए।
जी बिल्कुल, ये एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए, कि अगर आपको, मैं पहले से स्टार्ट करना चाहूँगी कि आपकी बच्ची है या आप खुद ये प्रोग्राम देख रहे हो, तो आप मेरे तक कैसे पहुँच सकते हैं? तो पीरियड्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज कि बहुत पेन है या फिर ब्रेस्ट पेन रहता है, तो वो साइक्लिक ब्रेस्ट पेन रहता है, पीरियड्स के वक्त ब्रेस्ट पेन होता है, तो उसके लिए भी हम एक्सरसाइज से वो रिकवर कर सकते हैं। फिर दूसरा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है PCOD, जो कॉमन है सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, वो भी हम एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद जो रहता है वो बहुत, किसी किसी को बहुत इतना मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पेन होता है कि उनसे कोई एक्टिविटी करना मुश्किल हो जाता है, तो वो पेन भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हुआ एडोलेसेंस के बारे में बात। फिर दूसरा हम आगे जाए तो अभी बहुत इनफर्टिलिटी का बहुत प्रॉब्लम है कि कंसीविंग में डिले होता है। जब ऐसा अभी कॉमन सिनेरियो है कि शादी के बाद तुरंत कोई कंसीव नहीं करता, और जब कोई कंसीव करना चाहता है तो वो थोड़ा डिले हो जाता है, नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक ऐसी एक्सरसाइजेस है, स्पेसिफिक फूड है जिससे हम इजीली कंसीव कर सकते हैं। सही बात। तो वो है। और दूसरा है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ऐसी कॉमन मीथ है कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, जो हाई रिस्क नहीं है, उसमें डेफिनेटली एक्सरसाइज से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, तो एक्सरसाइज उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी है, पेट का लचीलापन रहता है, तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ वो सीजेरियन हुआ है उसकी वजह से मेरा पेट लूज़ हो गया, पर आपका पेट स्ट्रेंथ की वजह से लूज हुआ है, क्योंकि आपने का स्ट्रेंथ लूज हो गया तो पेट लूज हो गया, मसल्स आपके वीक हो गए। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज से वो रिकवर कर सकते हैं। जो प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि हमारे जो पेट के बीच का जो मसल है, जिसको डायस्टेसिस बोलते हैं, उसमें सेपरेशन हो जाता है, गैप हो जाता है जो पेट वाला मसल है उसमें, उसकी वजह से पेट में लचीलापन हो जाता है, या स्ट्रेच मार्क जिनको प्रॉब्लम है, वो भी हम एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन रहता है, काफ़ी सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है, तो ये भी हम स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो मेनोपोजल फेज रहता है, उसमें रहता है कि यूरिन अर्जेंसी है, कि अभी यूरिन जाना है, मतलब जाना है, वो रोक नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं वो फीमेल्स, ज़्यादातर पानी पीना कम कर देते हैं, या फिर टाइट अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, या फिर वो कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, पर वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एक्सरसाइज हेल्प कर सकता है। तो आप दवाई डेफिनेटली जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लेनी ही चाहिए, पर स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ है जो एक्सरसाइज के माध्यम से हम रिकवर कर सकते हैं। सही बात है। तो आमतौर पे जैसे महिलाओं में, जैसे काफ़ी आपने अच्छी तरह बताया कि क्या क्या इश्यूज होते हैं और उसको कैसे आपके फील्ड के द्वारा, गायनिक फिजियोथेरेपी के द्वारा उसको एड्रेस किया जा सकता है, तो जैसे मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होते हैं, तो उसके दरमियान कई, समझो महिलाओं को बहुत पेन होता है जो स्टार्टिंग पहले दिन जी, तो उसको कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पूरे हार्मोनल रिलेटेड है, तो हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, तो वो हमारे हार्मोन पे उसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस आता है, तो डिप्रेशन वगैरह भी हम एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि मेनोपॉज जब के बाद का जो पीरियड है उसमें डिप्रेशन के कई केसेस सामने आते हैं, तो आपकी ये सलाह है कि अगर ये एक्सरसाइज करें तो बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाए, तो डिप्रेशन लेवल भी कम हो सकता है, काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इवन अभी तो रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे पेशेंट में देखा है कि प्रेगनेंसी के बाद भी उनको डिप्रेशन रहता है, पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेज में, कि उनको ऐसा फियर रहता है कि मुझसे ये हैंडल होगा कि नहीं होगा, आगे मैं क्या करूँगी, अभी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा बॉडी ऐसा हो गया है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे अनआंसरेबल क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते हैं, और शायद कभी किसी को पता भी ना चले कि मुझे डिप्रेशन है। करेक्ट। पर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, या पूरा बॉडी वीक लग रहा है, तो जो ये हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस है उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती है जो एक्सरसाइज से रिकवर की जा सकती है। तो प्रेगनेंसी के दरमियान ये एक्सरसाइज आप फिजियोथेरेपी के लिए सलाह दोगे?
जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैं तो यही कहूँगी कि सारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको डेफिनेटली एक्सरसाइज करना चाहिए. हाँ, पर एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर और एक्सपर्ट के साथ आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही डेलिकेट फेज़ है, और ना सिर्फ आपको आपके बारे में सोचना है पर आपको आपके बेबी के बारे में भी सोचना पड़ता है. तो आपके दोनों के हिसाब से जो सही है वो डिसीज़न लीजिए. और सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले के ज़माने में तो ये नहीं था, पहले के ज़माने में तो एक्सरसाइज नहीं करते थे, फिर भी बच्चे नॉर्मल होते ही थे ना, तो अभी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है. तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले के ज़माने में जो फीमेल बॉडी था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उनका फूड ऐसा था, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी. अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है, तो उसके लिए हमें प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है. और दूसरी बात कि जब हम प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते हैं तो वो उस पे बेबी पे क्या इम्पेक्ट आता है, कि जो बेबी जब बहुत स्मार्ट बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, उसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे कि आप सेलिब्रिटीज़ के बच्चे देखते होंगे, अभी रिसेंटली करीना कपूर खान है, जो सोहा अली खान है, उनके भी काफ़ी वीडियोज़ काफ़ी इमेजेस वायरल हुए थे प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते हुए. तो आपने देखा ही होगा कि उनके बच्चे कैसे हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे इतने स्मार्ट नहीं हो सकते, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते. उनका लाइफस्टाइल उन्होंने ऐसे हेल्दी मेंटेन किया है, इसलिए उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पे हमें इजीली दिखता है. तो अगर हम भी चाहते हैं तो हमें भी वो सारी चीज़ें करनी चाहिए कि वो जो लोग वो लोग करते हैं. लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. और दूसरी एक ये चीज़ भी मुझे कहनी है, आप लोगों से शेयर करनी है, कि मैंने कई जगह पे देखा है कि घर पे एडवाइस करते हैं प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस, या फिर कोई जो डिग्री फेक रहती है उनके अंडर एक्सरसाइजेस होते रहते हैं. तो आप पहले चेक कीजिए कि आपको जो एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं क्या वो एक्सपर्ट है, तो ही आप उनके साथ एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होइए. अदरवाइज वो आपके ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा ही, आपके बेबी पे भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है. रिस्की हो जाता है, बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं जिनको साथ में लेकर के एक्सरसाइज करने की आवश्यकता रहती है. तो वो सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट ही आपको एडवाइस कर सकता है. और एक्सरसाइज का ऐसा है कि वो टेलर मेड होते हैं, आपके लिए अलग रहेगा, मेरे लिए अलग रहेगा, तो किसी को हम सेम एक्सरसाइज नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते. सही बात है, वो कस्टमाइज ही करना पड़ता है. जी बिल्कुल. और ये एक अभी बहुत है कि हमेशा जो बेबीज रहते वो प्लान्ड रहनी चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी ऑलवेज प्लान्ड होनी चाहिए. अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसके 6 महीने या 1 साल के पहले ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो. मतलब जो प्रेगनेंसी टर्म है वो सिर्फ 9 महीनों तक का सीमित नहीं होना चाहिए, वो आप एक्सटेंड करो आगे. तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या मेरा बॉडी इतना है जो वो बेबी का वेट आगे जाके जो सारी जिम्मेदारियाँ है वो ले सकता है. तो उससे क्या होगा कि आगे के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम तभी सॉल्व कर सकते हैं. तो उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. पर ये एक अच्छी बात है कि अभी क्या है कि लोग जो है वो ब्लड रिपोर्ट्स करते हैं, वो चेक करते हैं कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, वो अच्छी बात है. पर आपके बॉडी का क्या, आपके मसल की स्ट्रेंथ क्या, वो आपको पता है? क्योंकि जो बेसिकली है वो मसल स्ट्रेंथ पे है. तो स्ट्रेंथ भी है जो चेक करने के बाद आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे, मैं एबल हूँ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तभी आप आगे बढ़ो. तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक एक्सेप्टेंस लेवल है वो तभी आ जाएगा, तो एकदम इजी रहेगा. और दूसरा कि प्रेगनेंसी में बहुत ही सारे अलग अलग डिस्कम्फर्ट रहते हैं, तो सभी के लिए आप दवाई नहीं ले सकते, वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ वो बेबी पे भी इम्पेक्ट करता है. तो बेटर है कि आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ कीजिए जो आपको दवाई इतनी लेनी ही ना पड़े. सही बात. ऐसा नहीं है कि हमें सब टॉलरेंट करना है या फिर हम ऐसे अवॉइड करेंगे. आप ऐसा ही कुछ करो ना कि आपको पेन ही ना हो, पेन ही ना हो. ऐसा नहीं है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि चलो प्रेगनेंसी में तो बैक पेन हो गई. आप कुछ ऐसा करो ना कि प्रेगनेंसी हो फिर भी आपको बैक पेन नहीं है. सही. तो ऐसा भी हम कर सकते हैं एक्सरसाइज के मीडिया से. तो जैसे आपने बताया कि आजकल ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं प्री कंसीव जो पेरेंट्स करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो तो ये वो पहले ही जांच कर लें, तो आगे जाकर कोई
हेल्दी बच्चा ही उनको आए, डिफेक्ट हाँ। या प्रॉब्लम वाला बच्चा ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आपको स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो पहले माँ को स्वस्थ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माँ को स्वस्थ करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो उसके खान पान हाँ, हर चीज, और उसका जो स्ट्रेस लेवल है उसको हमेशा मोटिवेटेड रहनी चाहिए, तब जाके ये सारा इफेक्ट हाँ, करता है अपने बच्चों पर। जी, और अभी तो ऐसा है कि मोस्टली फीमेल्स भी वर्किंग रहती है, तो वर्किंग फीमेल्स के और भी प्रॉब्लम्स रहते हैं कि अर्गोनॉमिकल, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऑफिस जा रही हूँ तो मैं कौन से कपड़े पहनूँ, कौन से शूज़ पहनूँ, मैं कैसे बैठूँ, मैं क्या खाऊँ ऑफिस आवर्स में, तो वो सारी चीज़ें भी हम हैंडल कर सकते हैं इजीली। करेक्ट करेक्ट। तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार फील्ड है और हाँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया में, इतनी सारी महिलाएं हैं हमारी, तो सबको एड्रेस करें। तो आप मुझे बताइए कि आपके फील्ड में कितने डॉक्टर्स होंगे हिंदुस्तान में? अभी तक जहाँ तक मुझे पता है हार्डली 10-15 डॉक्टर्स ही है, काफ़ी कम डॉक्टर्स है। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा, जब मैंने एडमिशन लिया तब मुझे ऐसा था कि ये फील्ड ऐसा है तो बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पर ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मतलब ये इतना स्पेशलाइज फील्ड होते हाँ। हुए भी सिर्फ 10-15 है, तो आप एक गिने चुने व्यक्ति हो जो आज हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें करी और लोगों को समझ में आया कि गायनेक फिजियोथेरेपी क्या है और उसका अगर लाभ लेना तो क्या इशू है और क्या उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। थैंक यू थैंक यू। और उसी के लिए मुझे एक नेशनल, रिसेंटली मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। वो क्या, मैंने आगे बताया तो थोड़ा सा हाँ। उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, अवार्ड किस लिए मिला था आपको? ये जो अवार्ड है वो मदर मैरी मैकमिलन नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड मुझे मिला था। जो मैरी मैकमिलन है वो फर्स्ट फीमेल फिजियोथेरापिस्ट थी, तो उनके नाम के अंदर मुझे ये अवार्ड मिला है कि बहुत कम उम्र में ये अचीवमेंट जो मुझे, मैंने लिया है उसके लिए मुझे वुमेन्स हेल्थ में ये अवार्ड मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक आपको। तो आज मदर्स डे है, एक स्पेशल डे है हाँ। तो हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, जो माँ का स्थान होता है वो सबके दिल में बहुत ही स्पेशल होता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। अब सबको माँ, कहीं ना कहीं तो अपनी माँ की ज़रूरत रहती ही है। तो मैंने जब मदर्स डे आने वाला था तब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं मेरी माँ को क्या गिफ्ट दे सकती हूँ जो उसके लिए बहुत ही स्पेशल हो। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो माँ होती है ना वो सबके बारे में सोचती है सिवाय खुद को छोड़ के। इसलिए अभी हमें ये स्टार्ट करना चाहिए कि माँ तू तेरे बारे में नहीं सोचती, ठीक है मैं तेरे बारे में सोचूंगी या सोचूंगा। तो ये सोच के मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया कि हेल्दी मदर हेल्थ। सो ये जो मदर्स डे है उसमें हैप्पी मदर्स हेल्थ करके ऐसे कैंपेन स्टार्ट किया। उसके अंडर में जो डॉटर्स है, सूरत की काफ़ी सारी डॉटर्स है, उनको मैंने कॉन्टेक्ट किया कि आप आपकी मम्मी को मदर्स डे पे हेल्थ गिफ्ट कीजिए, क्योंकि अभी ये टाइम है कि आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा, अब तक उन्होंने आपके बारे में सोचा, नाउ इट्स योर टर्न। बहुत बढ़िया। तो एक अहम सवाल मैं जरा मैं भूल गया शायद पूछने के लिए आपको, कि अगर हम दिव्यांगों की बात करते हैं हाँ, तो ये तो हो गए एक नॉर्मल बातचीत हाँ, तो ये जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं, स्पेशली फिजिकली चैलेंज हो गए और अंध हो गए, जो उनको ये जो फिजिकल डिफॉर्मिटी है, जैसे सीपी बच्चे होते हैं जो फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, और अगर वो कंसीव करते हैं तो उनको क्या तकलीफ हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये थोड़ा बताइए हमें। देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंडर काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, नॉट कि सिर्फ फिजिकल, मेंटली, इमोशनली। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप, यू आर नॉट अ डिसेबल, यू आर डिफरेंटली एबल। करेक्ट करेक्ट। तो आप खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप भी कर सकते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना है कि ये मुझसे नहीं हो सकता या मुझसे नहीं होगा। आपके ऊपर आपकी पूरी दुनिया है, अगर आप चाहो तो आप सब कुछ बदल सकते हो, तो डेफिनेटली आप करो, पर आप एक प्लान के साथ करो। तो उससे क्या होगा कि आपको तो इजी ही होगा, प्रेगनेंसी जो है डेफिनेटली चैलेंजिंग है, पर वो हम काफ़ी हद तक इजी कर सकते हैं। तो जो प्रेगनेंसी वो प्लान करके, काउंसलिंग करके हम कर सकते हैं इजी। बहुत बढ़िया। मतलब मैं यही चाहता था कि दिव्यांग को भी आप एक मैसेज दें, तो उनको हाँ। भी तो समझ में आया कि आपने नॉर्मल लोगों के लिए बात की हाँ। तो वो जो स्पेशल है, जो डिफरेंटली एबल्ड है,
उनके लिए क्या संदेश था? तो बहुत बढ़िया आपने आपने बातचीत की। तो दर्शक में तो हमारे साथ डॉक्टर हिमानी शाह गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट थी, बहुत सारी बातें उन्होंने की, और ख़ास करके जो महिला हैं देश की महिला, तो उनके लिए जो उनके अंतर्गत जो भी इश्यूज हैं हेल्थ के, उसके बारे में बड़ी बारीकी से उन्होंने समझाया कि अगर उनको जो प्रॉब्लम होते हैं हेल्थ इश्यूज होते हैं गायनेक रिलेटेड, तो उसके लिए ये बैठे हैं और आपको गाइड भी करेंगे, आपको एक्सरसाइज भी समझाएंगे, और काफ़ी कुछ आपके हेल्थ के बारे में आपको अच्छी तरह वो समझा सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, बहुत सारी बातचीत हो गई आज इस हेल्थ प्लस के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हिमानी से। तो हम ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं, दोबारा उपस्थित होंगे एक नए विशेष व्यक्ति, एक नए विशेष डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।